स्टूडेंट स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर जो कि अमर उजाला न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया है। यह आज का ही न्यूज़पेपर है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आप इस तरह की रोज वीडियो देखते रहेंगे हमारे चैनल पर। जो भी मॉडल पेपर आएगा मैं आपको इस वीडियो बनाकर सबसे पहले प्रोवाइड करूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला मॉडल पेपर है सामाजिक विज्ञान का। यहाँ पे ये आज ही का शुरुआत की गई है मॉडल पेपर का, सामाजिक विज्ञान का। फ्रेंड सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है, इसको आप जरूर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें आपको ये अनुभव हो जाएगा कि आपको 70% जो सिलेबस है उसी से क्वेश्चन आएगा, या जो 30% सिलेबस कट कर दिया गया है उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है और किस प्रकार का क्वेश्चन बन रहा है। तो इस पेपर को आप जरूर मॉडल पेपर को देखिए और उसको हल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ इसमें क्या चीज़ें दिया गया मॉडल पेपर। यहाँ पे ये अमर उजाला में है प्रकाशित किया गया था, और यहाँ से मैं वीडियो बना इसका बना रहा हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का समय भी रहेगा जैसे पिछली बार था। और फ्रेंड्स यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन पहला रहेगा, यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो आप इसको 4 ऑप्शन दिया गया है, इस 4 ऑप्शन में जो भी आपको सही लगता है वो आप सही कर लीजिए, ठीक है। आपको चाहिए तो इसका मैं आंसर भी बना दूंगा, लेकिन आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारा है जर्मनी के एकीकरण हेतु किसने भूमिका निभाई थी। तो इसमें चार चार ऑप्शन है, इसमें से आपको जो सही लगता है और सही भी जो है वही आपको टिक करना है, और इस मॉडल पेपर को आप हल भी कीजिए, ठीक है, वीडियो देख करके। और यहाँ पे तीसरा हमारा है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसको आंसर में बता देता हूँ कि 1885 में हुई थी, 1885 ईस्वी में हुई थी इसकी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था, यानी राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको जो सही लगता है वो अपने से गेस करके लगा दीजिए, ठीक है। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स आप जो केंद्र शासित प्रदेश किया गया है उसमें से आपको, यानी कि अब जो है 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, और राज्यों की संख्या आप कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। मुझे पता है लेकिन आप कमेंट करके बताइए, और इससे आपको एक जानकारी होगी, और आप पेपर में इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसी प्रकार का सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन आता है 10 से 10वीं में। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसको आप कमेंट करके भी बताइए। और फ्रेंड्स हम लोग अब अतिलघुत्तरी क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं ये आपको गेस लग जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ और कैसे हुआ, इसको आपको एक एक नंबर, यानी कब हुआ इसके लिए 1 नंबर मिलेंगे, और कैसे हुआ इसके लिए भी 1 नंबर मिलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए क्यों घातक है, यानी सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए क्यों घातक है, इसको 2 कार्ड दीजिए, ये भी 2 नंबर का है। और फ्रेंड्स संघीय शासन व्यवस्था के 2 उद्देश्य लिखिए, इसके भी 2 नंबर मिलेंगे। बहुत ही सिंपल सिंपल उत्तर देना होता है, और इसको आप पढ़े रहेंगे तो आप आराम आराम से कर ले जाएंगे। कि उत्तरदायी शासन की दो विशेषताएं लिखिए, ये चीजें, इसके लिए फ्रेंड्स आपको कितना नंबर मिलेगा देख सकते हैं हम। यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। और हमारा नेक्स्ट है कि भारत की विविधताओं की, यानी कि अथवा करके दिया है फ्रेंड्स, यदि आपको पहला वाला नहीं आ रहा तो दूसरा आप कर सकते हैं, ठीक है, लघु उत्तरी क्वेश्चन में। इसी प्रकार आप सभी क्वेश्चन को बारी बारी देखते जाइए। सविज्ञा अयोध्या, सॉरी फ्रेंड्स, सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यानी कि इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, इसके लिए 3 नंबर मिलेंगे। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसी का अथवा है, असहयोग आंदोलन की विफलताओं के क्या कारण थे, ये भी आपको जो 3 नंबर दिलाएगा, यानी आपको उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ रहा है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट है कि 12वां क्वेश्चन में, इसमें भी 2 क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि आपको पहला आ रहा है तो पहला कीजिए, दूसरा आ रहा है तो दूसरा कीजिए, आप पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। पहला मैं पढ़ के बता देता हूँ कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर दीजिए, ये लिखना है आपको, यदि नहीं आ रहा है तो दूसरा है भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों का विवरण लिखिए, ये चीज़ें। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड 13वां, 13वां भी अति लघुत्तरी ही है, इसके लिए भी 3 नंबर मिलेंगे आपको, सॉरी फ्रेंड 3 नंबर नहीं, आपको 6 नंबर मिलेंगे। और फ्रेंड से इसके लिए भी 6 नंबर मिलेंगे, यानी कि 2 जो है दीर्घ यहाँ पे विस्तृत उत्तरी है, और इसके लिए आपको 12 नंबर विस्तृत उत्तरी से आते हैं, ठीक है। इसमें द्वितीय युद्ध के पश्चात अर्थव्यवस्था में आई समस्याओं का वर्णन कीजिए, ये भी आप कर ले जाएंगे। और फ्रेंड यदि आपको ये नहीं आ रहा तो चौरी चौरा घटना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, ये भी बहुत आसानी से लिख सकेंगे आप, ठीक है। और हम लोग अब मानचित्र को देख लेते हैं, मानचित्र में आपको क्या कैसे लिखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मानचित्र के लिए हम यहाँ पे आ गए हैं। मानचित्र में आपको देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2 चीजें दी जाती हैं, यदि आपको फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा पूरा निर्देश।
स्थानों को भारत के मानचित्र में चिन्ह द्वारा सही दर्शाइए, यानी कि इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ कैसे तरह से दर्शाना है आपको, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जाके देख ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या करना है आपको। देखिए, वह स्थान जहाँ पर 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था, वह कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। तो उसको आप दर्शाना है कि भारत के नक्शे में, यानी कि थोड़ा सा पाकिस्तान का भी हिस्सा दिया रहता है उसमें, तो आपको दर्शा भी सकते हैं, ठीक है। और वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की हत्याकांड हुई थी, तो अमृतसर में। ये चीज़ आपको दर्शाने के लिए, आपको यानी कि एक चीज़ कहाँ पे हुआ था ये चीज़ें लिखने पर अमृतसर उसके लिए आधा नंबर मिलेंगे, और दूसरा दर्शाने के लिए मानचित्र पर दर्शाएंगे तो उसके लिए आधा नंबर मिलेंगे, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फिर से कि वह स्थान जहाँ 1920 में सितंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके लिए आपको एक नंबर मिलेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स 5 नंबर का है, आप थोड़ा सा बहुत ध्यान दिए रहेंगे तो आपको 5 में 5 मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे अब यहाँ से क्वेश्चन जो है दूसरी अर्थशास्त्र वगैरह से नागरिक शास्त्र देखेंगे हम लोग। नागरिक शास्त्र यहाँ पे देख सकते हैं 15वां क्वेश्चन है, इसमें फ्रेंड्स जो 4 विकल्पी क्वेश्चन रहेगा, 4 विकल्पी क्वेश्चन रहेगा, जी हाँ दोस्तों 4 विकल्पी क्वेश्चन रहेगा उसमें। फ्रेंड्स पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रिश्तेदार फसल है, तो इसके 4 ऑप्शन है, इसको आप सही कर लीजिएगा अपना जो भी सही रहे। निम्न राज्यों में से किसमें काली मिट्टी पाई जाती है, तो इसको भी आप सही कर सकते हैं। और इनमें से कौन सी रबी की फसल है, इसको भी आप देख लीजिए। झरिया प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, तांबे के लिए, कोयला के लिए, बास्काइट के लिए, तो इसको भी आप देख सकते हैं। जो आपको सही लगे आप पढ़े रहेंगे तो आराम से ये क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन आता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वां जो है, निम्न में से बंदरगाह देश में पूर्वोत्तर तट पर स्थित है, यानी कि कौन सा बंदरगाह पूर्वोत्तर तट पर स्थित है, तो इसको आप देख लीजिए, ठीक है। और हमारा 20वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स इसमें 5 बहुविकल्पी आते हैं, 5 पहले से आएगा, 5 इधर से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये चीज़ें इसमें से आपको जो सही लग रहा है वो आप कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप पढ़े होंगे। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति लघुत्तरी जो सेकंड मतलब खंड गा से है, सॉरी फ्रेंड्स खंड का से है, खंड खा से है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसान का जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। और हमारा नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, औसत आय से क्या समझते हैं। और हमारा 23वां क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो मतलब स्क्रीन शॉट लेकर के आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मॉडल पेपर को हल कीजिएगा। और यदि आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ PDF भी आपको मैं मिल जाएगी अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे फ्रेंड्स लघुत्तरी क्वेश्चन है, इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। इसमें फ्रेंड्स 2 ऑप्शन है, यदि आपको इसमें से कोई भी एक आ रहा है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। और दूसरा यदि आपको नहीं आ रहा है तो पहला, तो आपको दूसरा कर सकते हैं, खनिज क्या है संक्षेप में लिखिए ये चीज़ें। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर, सॉरी फ्रेंड्स ये तो मैं बता चुका आपको। हमारा 25वां क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन किस प्रकार को रोका जा सकता है, यानी किस प्रकार रोका जा सकता है, इसलिए आपको 3 नंबर मिलते हैं। और फ्रेंड्स यदि आपको नहीं आ रहा है तो दूसरा कर सकते हैं आप। और फ्रेंड्स हमारा जो 26वां क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालिए, इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। विस्तृत उत्तरी प्रश्न फ्रेंड्स, और हमारा इसी में यदि आपको नहीं आ रहा है तो नीचे वाला कर सकते हैं कि संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में अंतर कीजिए ये चीज़ें। और फ्रेंड्स और हमारा नेक्स्ट है कि किन किन तरीकों से बाजार में लोगों का शोषण होता है, इसके आपको तरीकों बताना है, आपको इसलिए 6 नंबर मिलेंगे। फ्रेंड्स ये जो विस्तृत उत्तरी का प्रश्न होता है उसमें आपको कम से कम 2.5 पेज 3 पेज लिखना होता है, जी हाँ दोस्तों 2.5 पेज लिखेंगे तो आराम से आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट है कि भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों के महत्व पर प्रकाश डालिए, तो इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। यदि आपको इसमें से कोई आ रहा है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र से, इसके लिए भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखिएगा, अभी कट मत कीजिएगा, यहाँ पे आप टिप्स भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ टिप्स भी दिया गया है, इस टिप्स को जरूर पढ़िएगा। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र कार्य है, इस पर आपको मानचित्र पर दर्शाना होता है, तो यहाँ पे कैसे दर्शाएंगे ये देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी दिल्ली, यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी फ्रेंड्स जो लखनऊ है, चिन्ह द्वारा नाम दर्शाइए, यानी कि वहाँ पे किस जगह पे है भारत में नक्शे में दर्शाना है आपको। और काली मिट्टी का क्षेत्र चिन्ह दर्शाइए, ये भी आपको दर्शा सकते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन चिन्ह द्वारा दर्शाइए, ठीक है। यानी कि जो फ्रेंड्स ये जो चिन्ह दिया है यहाँ पे हवाई जहाज का, और यहाँ पे जो वर्गाकार है ऊपर वाला, और यहाँ पे पहला जो है काली बिंदु, इसी से आपको दर्शा देना, वहाँ मानी जहाँ पे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ है, तो लखनऊ को उत्तर प्रदेश के अंदर जो है लखनऊ को
थोड़ा सा बिंदु यानी गोला बना करके वहाँ पे दर्शा देना कि यहाँ पे है, ठीक है। इसी प्रकार आपको दर्शाना है, इसकी वीडियो में बनाया हूँ, आप फिलहाल देख सकते हैं। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स हम लोग जो टिप्स है उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे पहली टिप्स है कि आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, यानी पेपर में कैसे आपको हल करना, ये चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पे। और लेख व सुंदर साफ लिखें, यानी कि जो भी लिखें आपको सुंदर और साफ होना चाहिए। जो प्रश्न पहले आता है उसे वह पहले ही करें, यानी ठीक है, जो प्रश्न आपको पहले बहुत ही अच्छे क्लियरली तरीके से आ रहा है वही आपको पहले करना है, ठीक है। और हमारे नेक्स्ट फ्रेंड्स की प्रश्नों के उत्तर सटीक व स्पष्ट लिखें, यानी कि जो है वही बकवास ज़्यादा ना लिखें, क्योंकि उससे नंबर कटने के ज़्यादा चांस होते हैं। यानी कि एग्जामिनर जो भड़क जाएगा, कहेगा ये क्या लिखा है फालतू में। तो इससे आपको पूरा सही आंसर देना है। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है कि पेपर को देख कर घबराएं नहीं, बल्कि ध्यान से पढ़ें, यानी कि जो भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ें और उसका मतलब बारीकियों से ध्यान देने में क्वेश्चन करें। फ्रेंड्स यहाँ पे एक नोट दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि यह केवल मॉडल पेपर है, परीक्षा में इनमें से कोई प्रश्न आना अनिवार्य नहीं, यानी कि आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। यानी कि ये तो मॉडल पेपर दिया गया है, यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, इससे लोगों क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इसी प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये तो कन्फर्म है। तो आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा, और अगली वीडियो में आपको इंग्लिश का दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को, चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी पता चलेगा मॉडल पेपर किस प्रकार है, यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल।